अस्सलाम वालेकुम, सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम फार्मूला इंसर्ट करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इस वक्त हमें एक टेबल दिया गया है। आपने एक्सेल में तो फार्मूले इंसर्ट किए हुए होंगे, क्या आप जानते हैं क्या आप वर्ड में भी फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास एक टेबल दिया गया है। अगर हमें इस मुख्तलिफ कंट्रीज है और उसमें जो आइटम है कितने सेल्स हुए वो हमें दिया गया है। अगर हमें यूएसए की टोटल सेल्स मालूम करनी है कि टोटल सेल्स यूएसए में कितनी हुई, तो इसके लिए हमें फार्मूला इंसर्ट करना पड़ेगा। फार्मूला इंसर्ट करने के लिए वर्ड में आपको लेआउट में आना पड़ेगा। लेआउट में आपको ऑप्शन मिलेगा फार्मूला। जैसे ही आप फार्मूला पर क्लिक करेंगे तो वर्ड ने अंडरस्टैंड कर लिया कि आपको जो सम करना है वो अबव करना है, और आप सिर्फ क्लिक ओके कर दे तो इसने अबव पर जितने भी नंबर्स थे उनको सम कर दिया। अब आप कर्सर को यहां रखें और यूके की सेल्स को टोटल करना है। फार्मूला पर क्लिक करें और ओके कर दे तो अबव वैल्यू सम हो गई। इसी तरीके से अगर आपको फ्रांस की मालूम करनी है तो फार्मूला पर क्लिक करें और ओके करें तो फ्रांस की टोटल सेल्स मालूम हो जाएगी। अगर आप यहां देख सकते हैं कि नंबर फॉर्मेट भी दिया गया है। यहां मुख्तलिफ फॉर्मेट है, मसलन आप इशारिया के बाद 00, परसेंटेज और मुख्तलिफ फॉर्मेट दिए हुए हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं। इस वक्त मैं कोई भी यूज नहीं कर रहा। और पेस्ट फंक्शन में आपके पास सम के अलावा अगर आप कोई फंक्शन यूज करना चाहे लाइक एवरेज, तो भी ये आप इन सबको यूज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। इस वक्त मुझे सम को यूज करना है और अबव यूज करना है। ओके कर दिया तो इसने अबव जितनी भी वैल्यू थी सबको सम कर दिया। अब आप यहां देख सकते हैं कि अगर मुझे आइटम की टोटल सेल्स मालूम करनी है, मतलब कीबोर्ड कितना सेल्स हुआ इस रोज में, तो इसकी टोटल सेल्स मालूम करनी है तो इसके लिए भी मुझे फार्मूला यूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि वर्ड कितना स्मार्ट है कि इसने इसको पता चल गया कि आपको लेफ्ट की वैल्यू सम करनी है, क्योंकि इसने लेफ्ट में वैल्यू को अंडरस्टैंड किया और फार्मूला लगा दिया सम लेफ्ट का। अगर राइट का मालूम करना है तो आप राइट लिख दे, डाउन का मालूम करना है तो आप डाउन लिख दे और ओके कर दे तो लेफ्ट का टोटल आ गया। इसी तरीके से अगर आपको यहां भी फार्मूला इंसर्ट करना है, लेकिन अब इसने क्या है सम अबव किया क्योंकि वैल्यू ऊपर भी है, तो यहां आप क्या कर सकते हैं सिर्फ लेफ्ट लिखे और ओके कर दे। इस तरीके से ये टोटल आ गया। इस तरीके से आप फार्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर कॉपी करूंगा और यहां आकर पेस्ट कर दूं, तो इसने एज इट इज फार्मूला का रिजल्ट मुझे शो कर दिया। लेकिन इसको अगर मैं राइट क्लिक कर अपडेट फिल करूंगा तो इसने ऑटोमेटिकली इसको सम कर दिया, इसको सम कर अपडेट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं इस सेल्स में लाइक 700 कर देता हूँ 600 की बजाय, तो इस वक्त इसमें अपडेट नहीं हुआ। अपडेट करने के लिए हमें राइट क्लिक कर अपडेट फिल करेंगे तो ये अपडेट होगा। एक्सेल की तरह इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता, इसलिए आपको अपडेट करना पड़ता है जब आप कोई अपडेट वैल्यू करेंगे, कोई भी एडिट वैल्यू करेंगे, तो उसके लिए आपको अपडेट पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए वर्ड में भी आप कितनी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।